हेलो गाइस, मेरा नाम है उदित अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। गाइस, सबसे पहले तो बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सभी सब्सक्राइबर्स को जो मेरा जो है चैनल देख रहे हैं, जो मेरा अभी तक आफ्टर इफेक्ट्स का क्रैश कोर्स जो है देख रहे हैं। तो गाइस, मैं बहुत खुश हुआ आप सभी के रिस्पांस को देखकर, जो रिस्पांस आपने मुझे जो है मेरे आफ्टर इफेक्ट्स के क्रैश कोर्स में दिए। तो गाइस, हालांकि अभी आफ्टर इफेक्ट्स का क्रैश कोर्स जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। तो इसी के साथ जो है आपके लिए एक गुड न्यूज है कि मैं एक नया कोर्स जो है अपना लॉन्च कर रहा हूँ। तो गाइस, अभी ये जो कोर्स है इसके अंदर 70 लेसन्स होने वाले हैं। आफ्टर इफेक्ट्स के कोर्स में मैं आपको 60 क्लासेस दूंगा, बट अभी ये जो कोर्स है उसके अंदर मैं आपको 70 लेसन्स के अंदर सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा। तो गाइस, अब बेसिकली जो आपका जो सॉफ्टवेयर है जो आप सीखोगे, वो 70 लेसन्स आपको देखने को मिलेगा। आपका बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है, विच इज योर फोटोशॉप। तो गाइस, अब मैंने डिसाइड करा है कि मैंने आप सभी के लिए जो है एक फोटोशॉप का अपना क्रैश कोर्स जो है डिजाइन किया है, फोटोशॉप क्रैश कोर्स, जिसके अंदर मैं आपको 70 लेसन्स के अंदर, 70 क्लासेस के अंदर जो है आपको फोटोशॉप सिखाऊंगा। राइट गाइस? तो गाइस, अब चलिए मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ कि बेसिकली आपको इस मेरे फोटोशॉप क्रैश कोर्स के अंदर जो है क्या सीखने को मिलेगा। आई होप आपको मेरा ये जो कंटेंट है, मेरे जो चैप्टर्स हैं, जिस तरीके से मैंने क्रैश कोर्स को आप सभी के लिए डिजाइन किया है, आपको पसंद आएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे पीडीएफ के ऊपर। तो गाइस, ये देखिए, ये हमारा है यूट्यूब फोटोशॉप ट्यूटोरियल चैप्टर्स का लिस्ट। तो इसके अंदर ना गाइस, मैं आपका जो फोटोशॉप है उसे एकदम स्क्रैच से शुरू करूंगा। जैसे आज मैंने शुरू किया है, आज मैं आपको अपने कोर्स के टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ इस फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो जो सेकंड वीडियो होगा ना गाइस, उससे आपको फोटोशॉप सीखने को मिलेगा, ये सॉफ्टवेयर है क्या। तो मैं सीधा इसमें प्रैक्टिकल में स्टार्ट नहीं कर दूंगा। बहुत सारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, जब भी कोई टूल सिखाते हैं वो डायरेक्टली फर्स्ट क्लास के अंदर ही सॉफ्टवेयर का इंटरफेस पढ़ाते हैं। गाइस, ये मेरा तरीका नहीं है, मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को, मैं जब भी किसी को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं हमेशा पहले जो है उस बंदे को जो है, उस अपने क्लाइंट को, उस अपने स्टूडेंट को, फ्रेंड को, एक स्क्रैच के साथ जो है मैं टूल के बारे में नॉलेज देता हूँ। क्योंकि गाइज, मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आगे जाके जब आप उसे इंडस्ट्री में यूज करें या अपने पर्सनल यूज के लिए उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी आप आर्ट क्रिएट करें, तो आपको बेसिकली उस सॉफ्टवेयर के बारे में पता हो। कि टूल्स के बारे में नहीं, टूल्स के साथ में आपको जो है सॉफ्टवेयर के क्रिएटिव्स के बारे में पता हो कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर के अंदर क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो 70 क्लासेस का ये जो कोर्स है, सिर्फ फोटोशॉप का, फोटोशॉप क्रैश कोर्स, जिसमें आप देखोगे मैंने स्टार्ट किया है स्टार्टिंग का क्लास ही फोटोशॉप के साथ, की पहली क्लास में आपको सिर्फ फोटोशॉप के बारे में पता चलेगा, फोटोशॉप क्या है, कब आया मार्केट में, इंडस्ट्री में उसके क्या यूजेस है। राइट? अब इसके बाद आपका फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर यूज होता है बहुत ज्यादा। तो ग्राफिक डिजाइन क्या है, फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो अब ये इमेज क्या होता है, कितने तरह का इमेजेस होता है, अब उन इमेज में पिक्सल क्या होता है, रिजोल्यूशन। तो गाइज, ये आप देख रहे हैं, एक जो छोटे से छोटा जो बारीकी होता है, जो स्क्रैच से जब आपको एक पर्टिकुलर टूल को आप पढ़ते हैं ना, तो वो आप इस कोर्स से सीखेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में पहली बार डिजिटली कोई एडोब फैमिली का कोई एक सॉफ्टवेयर आप पढ़ रहे हैं, राइट, तो उस केस में जब आप सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो एक स्क्रैच से जब आपको नॉलेज मिलेगा ना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, शुरुआत का मेरे पास जो है 5 क्लासेस के अंदर ही मैं सॉफ्टवेयर का थ्योरिटिकल सेक्शन दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ, इमेज है तो इमेज के बारे में, ग्राफिक डिजाइन के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ। फिर 6th क्लास से मैंने आपका जो स्टार्ट करूंगा मैं फोटोशॉप का आपका इंटरफेस। फिर उसके बाद देखो आप, शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, शेप्स में आपको 2 क्लास दिया जाएगा। अब आप यह डिजाइन बना रहे हो तो डिजाइन का प्रिंसिपल्स क्या होता है, जिस तरीके से मैंने आपको अपने आफ्टर इफेक्ट्स के कोर्स में, एनिमेशन वहां करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, तो एनिमेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था। तो अभी आप यहाँ पर डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं, डिजाइन पे काम करने वाले हैं, तो
उसी तरीके से डिजाइन के भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको बताया जाएगा। बाकी टेक्स्ट, टेक्स्ट बहुत एक कॉमन सा टूल है फोटोशॉप के अंदर, बट यहाँ पर मैंने आपको 4 क्लासेस सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही दिया है, जिसमें आपको अलग अलग चीजें जो है सीखने को मिलेगा। जैसे टेक्स्ट स्केल से आप बहुत सारा चीजें क्रिएट कर सकते हैं, बट ये 4 क्लासेस से आपको टेक्स्ट का अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि आप टेक्स्ट पे कैसे काम कर सकते हैं। फिर पेन टूल, पेन टूल अगेन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, फिर से आपको अब 4 क्लासेस आप फिर से आपको पेन टूल पे ही देखने को मिलेगा। पेन टूल सिर्फ ट्रेसिंग के लिए नहीं यूज होता, और भी कई सारे तरीकों से पेन टूल का यूज किया जाता है। जैसे लोगो भी आप क्रिएट कर सकते हो, टी शर्ट डिजाइन में यूज कर सकते हो, कार्टून बना सकते हो। अब इसके बाद आप आए यहाँ पर मास्किंग। तो गाइज मास्किंग भी फोटोशॉप में कई तरीके का मास्किंग है, तो मैंने यहाँ पर 5 क्लासेस आपको मास्किंग के ऊपर प्रोवाइड की है। फिर इसके बाद आते हैं कलर करेक्शन। कलर्स, कलर्स कहने को एक छोटा सा टॉपिक है, वो आधे घंटे के अंदर भी खत्म हो सकता है, बट गाइज ऐसा नहीं होता। कलर्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो कलर के भी कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जो थ्योरी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कलर के लिए आपको 8 क्लासेस प्रोवाइड किया गया। 8 क्लासेस के अंदर मैं आपको कलर्स का बेसिक से लेकर एडवांस तक जो प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग होता है वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। फिर उसके बाद ग्रेडियंट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, डेप्थ देने के लिए ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट पे 3 क्लासेस। ब्लेंडिंग मोड्स जो बहुत जरूरी होता है फोटोशॉप में, इमेजेस पे काम करते समय ब्लेंडिंग मोड्स को समझना। अब यहाँ पर 7 क्लासेस ओनली फॉर ब्लेंडिंग मोड्स। उसके बाद आप सीखेंगे मैगजीन कवर पैटर्न्स कैसे यूज कर रहे हैं। फिर पोस्टर डिजाइन का इस 3 क्लासेस सिर्फ ग्राफिक पोस्टर्स के ऊपर है, इवेंट पोस्टर, अफॉर्मेटिव, फैशन शो पोस्टर्स। अब डिजिटल पेंटिंग, अगेन अब 3 क्लासेस डिजिटल पेंटिंग के ऊपर आपको दिया जाएगा। स्क्रैच से एक छोटा सा एक स्फेयर को कैसे पेंट करते हैं, फाइनल एक मुझे कार्टून या एक करेक्टर को पेंट करना है तो वो मैं कैसे करूंगा। उसके बाद कंपोजिटिंग, जिस चीज के लिए जो फोटोशॉप जाना जाता है कंपोजिटिंग करने के लिए, इमेजेस को जोड़ने के लिए, मैनुपुलेशन करने के लिए, तो 2 क्लास में पहले आपको मैं कंपोजिटिंग के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, साथ में इमेजेस को मर्ज करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम मैनुपुलेशन करेंगे। 3 क्लासेस में इमेज मैनुपुलेशन। फिर आगे इमेज रीटचिंग है, इमेज रीटचिंग भी बेसिक एडवांस लेवल, इमेज रिस्टोरेशन भी बेसिक से एडवांस लेवल। फिर आगे एक एडवांस लेवल का कंपोजिटिंग करेंगे, जिसमें हम ये ऊपर के सारे मैनुपुलेशन कंपोजिटिंग टूल्स का यूज कर पाए। फिर पिक्सलेशन कैसे बनाते हैं फोटोशॉप के अंदर। अब यहाँ एनिमेशन कैसे करते हैं, वो टाइमलाइन टूल की हेल्प से होता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मूवी पोस्टर्स, मैट पेंटिंग्स। अब लास्ट का जो गाइस ये क्लासेस होगा, जिसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, फोटोशॉप के साथ में इलस्ट्रेटर, दोनों का डिफरेंस क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर्स, वीएफएक्स आर्टिस्ट, कंपोजिटर, सब फोटोशॉप को कैसे यूज कर रहे हैं मैं आपको वहां पर एग्जांपल दिखाऊंगा। बेसिकली ये क्लियर करूंगा कि अलग अलग आर्टिस्ट यूज करता है तो किस तरीके से फोटोशॉप का यूटिलिटी है अलग अलग प्रोफाइल के आर्टिस्ट के लिए जो है बनता है। तो गाइस अब इस कोर्स के एंड में ना, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, आपको ये सारा चीजें जो है सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सिर्फ टूल्स नहीं सीखेंगे, टूल्स के टूल सीखते सीखते आप ये सारे एलिमेंट्स भी आप बनाने सीख जाएंगे। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं अब हम इसका नेक्स्ट क्लास के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर, जहां से हम जानना शुरू करेंगे कि फोटोशॉप क्या होता है, व्हाट इज फोटोशॉप, राइट गाइस। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट वीडियो ऑफ फोटोशॉप क्रैश कोर्स, जिसमें मैंने आपको टॉपिक्स के बारे में बताया है। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, सी यू इन द सेकेंड क्लास, थैंक यू।